Assalamualikum viewers, welcome to my channel Shahjis Smart Advice. आज मैं आपको होम्योपैथिक की काफ़ी एक अहम दवा का नाम है आर्निका, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको लेपर्ड्स बेन भी कहा जाता है। ये आमतौर पर ट्रॉमास के इफेक्ट्स, जो चाहे रिसेंट हो या रिमोट हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो के ट्यूमर्स हैं, जो कि इंजरी की वजह से हो जाते हैं, वो भी काफ़ी क्योर किए जाते हैं आर्निका के थ्रू, जिसमें के सिरहस ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट भी है, जो कि किसी भी इंजरी की वजह से हुआ हो तो उसमें आर्निका इस्तेमाल होती है। उसके अलावा आर्निका जो है वो प्यूटेड नमूनिया में इस्तेमाल होती है, सेप्टिक कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, और पस के इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, जिसमें कि पस हो जाती है, उसमें भी आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा आर्निका जो है वो बाल्डनेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि ऑयल में मिक्स करके 1x अगर लगाई जाए तो उसमें जो है बाल्डनेस बड़े आराम से क्योर हो सकती है, जिसमें कि काफ़ी सक्सेस हुआ है। अब उसमें इसके अलावा टाइफॉइड, जो कि सेप्टिक फीवर्स होते हैं, फिर रिकरिंग बॉयल्स हैं, और वेजिनाइटिस है जो कि फीमेल में, और इम्पोर्टेंस जो कि मेल में है, उसमें भी आर्निका काफ़ी अहमियत रखती है और काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। और जो कि मेल्स में जैसे बताया इम्पोर्टेंस है, जो कि एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस की वजह से होता है, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं जो कि बॉडी के हैं। तो उसमें माइंड है, उसमें जो है वो यूज़ की जाती है, सीवियर मेंटल स्ट्रेस या कोई शॉक लगाओ उसमें इस्तेमाल की जाती है। और उसमें ये फीलिंग होती है कि जैसे कोई भी छुए तो उसको छूने से जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है और इंजर्ड फील करता है। और इसके अलावा फियर ऑफ क्राउड्स हैं, पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक प्लेसेस में जाने में जो है पेशेंट वो फियर यानी कि खौफ फील करता है, तो उसके लिए भी आर्निका दी जाती है। तो इसके अलावा एब्डोमेन के सिम्टम्स हैं, उसमें क्रूप्स हैं फ्रॉम एपिगैस्ट्रियम हैं, जो कि डाउनवर्ड जाते हैं बाउल्स की तरफ, और जैसे कि बाउल्स होते हैं, देन फाउल स्टूल्स होते हैं। और इसके अलावा बैक के जो सिम्टम्स हैं, उसमें मसल्स ऑफ नेक वीक हैं, तो उसके लिए आर्निका दी जाती है। उसके अलावा हेड फॉल है, और बैकवर्ड और एनी साइड, किसी भी साइड पे कोई फॉल हुआ हो या कोई इंजरी हुई भी हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा चेस्ट में जो है वो स्टिचेस फील हो रहे हैं अंडर फॉल्स रिब्स, और कार्टिलेजेस ऑफ चेस्ट हैं, जैसे बोन्स के जो कार्टिलेजेस हैं उसमें काफ़ी पेन हो रहा है, और चलने फिरने में मुश्किल होती है, दर्द होता है हिलाने में, और खांसी भी होती है, तो उस सूरत में भी आर्निका ली जाती है। इसके अलावा जो है ईयर्स का अगर देखें तो उसमें हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, किसी भी इंजरी जो कि हेड पे हुई हो उसमें इस्तेमाल होती है, और हार्डनेस ऑफ हियरिंग यानी मुश्किल से सुनाई देता है। उसके अलावा ब्लड फ्रॉम ईयर्स यानी कि ब्लड आता है ईयर्स से, कानों से, तो उस सूरत में भी आर्निका इस्तेमाल की जाती है। अब आइस के जो सिम्टम्स हैं, उसमें ब्लड शॉर्ट होता है, डायप्लोपिया है फ्रॉम ट्रामा है, और मस्कुलर पैरालिसिस है या रेटिनल हेमरेज है। इसके अलावा फीमेल में देखा जाए तो यूटेराइन हेमरेज है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी आफ्टर सेक्स है। उसके अलावा थ्रेटेंड अबॉर्शन है फ्रॉम फॉल्स या कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि गिरने से या कोई चोट लगने की वजह से अबॉर्शन हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होती है आर्निका। इसके अलावा सोरनेस ऑफ द होल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पूरी बॉडी में जो है सोरनेस हो जाए, जैसे सूजन का आ जाता है, वो तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया था शुरू में ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट फ्रॉम इंजरी, तो उसमें भी
फीमेल्स के सिम्टम में ही आती हैं। और उसमें हार्ट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेन ऑफ हार्ट फ्रॉम वायलेंट रनिंग, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो तो उसमें जो स्ट्रेन होता है उन सिम्टम्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें वीकेंड हार्ट है, मसल्स, एंजाइना पिक्टोरिस है, स्टिचेस इन हार्ट है, उसके अलावा हार्ट पेन्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी इसमें हार्ट के जो पेन होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा किडनीज में देखा जाए तो रिटेंशन ऑफ यूरिन इन ब्लैडर है फ्रॉम ओवर एग्जर्शन आफ्टर लेबर। इसके अलावा ब्लैडर टेनिसमस है विद वेरी पेनफुल यूरिनेशन, मतलब यूरिन जो है वो रिटेन हो जाता है ब्लैडर में, और इस तरह के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द ब्लैडर फील्स फुल एंड सोर, ब्लैडर जो है वो काफ़ी भरा भरा फील होता है और थोड़ा सा सूजा हुआ भी फील होता है। इसके अलावा लंग्स में देखा जाए तो होर्सनेस है फ्रॉम ओवर यूज़ ऑफ वॉइस, और कफ कॉजेज ब्लड शॉर्ट, आइज और नोज ब्लीड, यानी हल्का हल्का जो है वो नाक से खून भी आ सकता है, इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से हो सकता है, तो उसमें आर्नी का इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मेल में इम्पोर्टेंस है फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस और एब्यूज़, फिमोसिस है फ्रॉम फिक्शन सेमिनल एमिशन ड्यूरिंग कैरिस, तो उसमें भी ये इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्किन के सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो उसमें ब्रूसेस है, एवरी लिटिल इंजरी मेक्स ब्रूसेस, ब्लैक एंड ब्लू कलर के निशान से पड़ जाते हैं स्किन पे, छोटी सी भी चोट लग जाए तो उसमें आर्निका इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा स्टमक है, स्टमक में पेन इन स्टमक ड्यूरिंग ईटिंग है, ऑप्रेसिव गैसेस हैं, पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हैं, जो कि गैसेस जो हैं कभी ऊपर की तरफ जाती हैं कभी नीचे की तरफ। इसमें प्रेशर एज फ्रॉम अ स्टोन, जैसे प्रेशर ऐसा है कि जैसे कोई स्टोन सा हो। फीलिंग एज इफ स्टमक वर प्रेसिंग अगेंस्ट स्पाइन, और स्टमक का जो प्रेशर है उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे कि वो प्रेसिंग हो रही है स्पाइन की तरफ उसकी वजह से। टेम्परेचर जो है इन्फ्लुएंजा इंटरमिटेंट है, उसके अलावा टाइफॉइड है, सेप्टिक है, ट्रॉमेटिक फीवर्स हैं, उसके अलावा शिवरिंग ओवर ऑल बॉडी, तो इन सिम्टम्स में भी आर्निका जाती है। इनमें ज़्यादातर सिम्टम्स में 200 से शुरू की जाती है, अगर और ज़्यादा पावर की फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो फिर आके 1 mg इस्तेमाल की जाती हैं। और इसमें जो कंपेयर की जाती हैं दवा जो इसके साथ कंपेयर की जा सकती हैं अलग अलग सिम्टम्स के लिए, उसमें एकोनाइट है, बेप्टिसिया है, बेलिस्पेरिस है, रस्टॉक्स है, उसके अलावा कैलेंडुला है, साइना है, चैमोमिला है, और इसके अलावा आर्स और बेप्टिसिया जो है वो टाइफॉइड स्टेट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और जो दवाइयों के मैंने आपको बताया जो पावर्स हैं उसमें Q30, 200, 1 mg उससे ज़्यादा पावर्स की, उसके अलावा 2x, 3x इस तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो ये एक वीडियो था जो कि आर्निका पे मैंने आपको भी इसके बारे में डिटेल बताई है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।